धामनोद में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू एवं प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह डोडिया के आह्वान पर करणी सेना जिला इंदौर के पदाधिकारियों ने जिलाधीश कार्यालय पर निकिता तोमर के नृशंस से हत्या और अर्णव गोस्वामी को जेल भेजने के विरोध में ज्ञापन दिया और प्रदर्शन किया। प्रदेश संगठन महामंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महिला शक्ति संभाग अध्यक्ष राधा राठौड़, युवा शक्ति नगर उपाध्यक्ष अनिकेत सिंह आदि करणी सैनिक मौजूद रहे। धामनोद से विशाल मंडलोई की रिपोर्ट। और आगे ये घटना किसी भी व्यक्ति के साथ में ना हो, तो किसी भी समाज की हो, तो जघन्य अपराध जो किया गया है सरकार इसके खिलाफ कानून बनाए, इसके लिए हम सब यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए। और क्या कानून बनना चाहिए आपके चाहते हैं? लोग यह जैसी घटनाएं हैं उसके खिलाफ जैसे फांसी का कानून होना चाहिए, क्योंकि धर्म के विरुद्ध जाके अगर करता है, भले वो हिंदू हो या कोई अन्य समाज का हो, इस तरह से उन लोगों ने हमारे समाज के बच्चों के संग में अपराध किए हैं, विवाह करते हैं, बाद में उनको मार देते हैं, फेंक देते हैं, इस तरह के अपराध नहीं होने चाहिए। आपका नाम? नरेंद्र सिंह तोमर, संगठन महामंत्री करणी सेना मध्य प्रदेश। लोग ही सही बोलेंगे, उन पर ऐसी प्रकार की कार्रवाई होगी तो हमारे सच को कौन आगे लेके आएगा? हिंदुओं के लिए बोलने पर उनको यह सजा मिली कि उनको घर से पकड़ कर रात को लेकर आया गया, तो इसीलिए हम उनका भी समर्थन कर रही करणी सेना। महाराष्ट्र में भी इस प्रकार का कोई प्रदर्शन हो रहा? जी जी, महाराष्ट्र में भी करणी सेना ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है अनुराग गोस्वामी जी। आपका नाम? मेरा नाम राधा राठौर है, मैं इंदौर संभाग की अध्यक्ष हूँ करणी सेना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।